हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली मैं गया हुआ था सिंगापुर, जैसा आप सबको पता है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वेजिटेरियन लोगों के लिए, कि वहाँ पर जो वेजिटेरियन फूड है वो बहुत ही कम मिलता है। सो मैं उन सभी वेजिटेरियन लोगों के लिए लेके आया हूँ ये फूड वीडियो, जिसमें मैं सारे जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हैं और बहुत ही अफोर्डेबल हैं वो सब लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो नंबर वन पर है सूर्य रेस्टोरेंट, ये है लिटिल इंडिया में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में आपको साउथ इंडियन जितना भी फूड है और रोटी चपाती वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में। इनका जरा ही मेन्यू चेक करिए। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया एक रवा मसाला डोसा और एक प्लेन मसाला डोसा, और उसी के साथ हमने ऑर्डर किया एक फिल्टर कॉफ़ी। तो ये डोसा हमारे पास आया है विद नारियल की चटनी, ये देखिए, और बहुत ही बढ़िया इसकी फिलिंग थी। और टेस्ट करके देखते हैं अब। बहुत ही जेन्युइन टेस्ट है, एकदम इंडिया वाला टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कि अगर आप सिंगापुर में वहाँ का जो फूड है वहाँ से थोड़ा बोर हो गए हैं, तो आप यहाँ पर सूर्य रेस्टोरेंट में ज़रूर आइए और आपको पूरा इंडियन वाली फील आएगी यहाँ पर। तो ये है जी फिल्टर कॉफ़ी, ये हमने ऑर्डर की थी, और वही स्टाइल जो साउथ इंडिया में देते हैं उसी स्टाइल में उन्होंने दिया था हमें। और इसका टेस्ट करके देखते हैं। वही टेस्ट जो इंडिया में आपको मिलता है वही टेस्ट यहाँ पर मिलेगा, बहुत ही टेस्टी था। उसके अलावा यहाँ पर लोग अपना जो डोसा है उसके अलावा यहाँ पर लोग छोले भटूरे वगैरह भी ऑर्डर कर रहे हैं। मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, यहाँ पर छोले भटूरे भी बहुत फेमस है, बहुत लोग यहाँ पर ऑर्डर कर रहे थे। ये मैंने ऑर्डर किया था एक प्लेन डोसा, मसाला डोसा है ये, ये देखिए इसका मसाला, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इतना अच्छा टेस्ट मुझे लगता है इंडिया में भी कहीं नहीं मिलता जितना अच्छा वहाँ पर मुझे मिला। सो मैं ये वाला रेस्टोरेंट सूर्य रेस्टोरेंट डेफिनेटली आप सबको रिकमेंड करूँगा, कि अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं तो लिटिल इंडिया में सूर्य रेस्टोरेंट में ज़रूर जाएं। सो बहुत ही सुपर टेस्ट है इसका। इन्होंने यहाँ पर नारियल चटनी के अलावा पीनट टमाटो चटनी भी दी थी मेरे को, और ये सांभर, और सांभर यहाँ पर भी अनलिमिटेड है, आप कितना भी ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, मज़ा आ गया भाई। यहाँ पर आप मैंगो लस्सी और जूस वगैरह भी ले सकते हैं, ये देखिए, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स है। और साउथ इंडियन की जितने भी जैसे बनाना चिप्स होती है और जितने भी वहाँ के स्नैक्स होते हैं, उसी के अलावा इमरती और मिठाइयों में भी आप जो साउथ इंडियन की जैसे मैसूर पाक वगैरह वो सब ले सकते हैं। और ये सब स्नैक्स हैं साउथ इंडिया के, नमकीन वगैरह, और ये सब यहाँ मिल जाएगा आपको। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, और ये देखिए इसका रेट। सो ये वाले जो रेट्स हैं ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल हैं वहाँ पर। नंबर टू पर आ जाते हैं मद्रास कॉफ़ी हाउस। सो ये मद्रास कॉफ़ी हाउस का एक स्टॉल था यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स पे आपको कॉफ़ी और टी मिल जाएगी। आप इसके ये प्राइस लिस्ट चेक करिए, देखिए कितना अफोर्डेबल है। और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह यहाँ ऑर्डर कर रहे थे। उसके अलावा यहाँ पर जो स्नैक्स है और जो मिठाई है साउथ इंडिया की मेनली, वो सब यहाँ पर थी, जैसे मैसूर पाक वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये देखिए। और जो वहाँ का हलवा होता है केरल का, वो भी यहाँ पर था। उसके अलावा जो नारियल की बर्फी है, ये सब थी, और वो भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स पे। उसके अलावा यहाँ पर जो पानी पूरी वगैरह है, समोसा चाट है, वो सब भी यहाँ पर थी, पकोड़ा यहाँ पर मिल जाएगा आपको, तो ये भी मतलब बहुत ही अच्छा था। नंबर थ्री पर आ जाते हैं, वो है कैलाश पर्वत रेस्टोरेंट। इसकी मैं तारीफ़ क्या ही करूँ, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ पर, और वहाँ के एयरपोर्ट्स वगैरह पर भी है। तो ये बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट बना हुआ है, सिटिंग एरिया फैमिली रेस्टोरेंट है, अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। और सिंगापुर में सबसे ज़्यादा जो फेमस रेस्टोरेंट है उसमें ये कैलाश पर्वत का नाम ज़रूर आता है। अगर मैं इसके यहाँ के रेट्स की बात करूँ तो रेट्स थोड़ा इससे ज़्यादा हैं जो और मैंने अभी तक आपको रेस्टोरेंट दिखाए, उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये रेस्टोरेंट महंगा है, बट उतना ही फिर क्वालिटी है कि क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। और जो इनका सिटिंग एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, साफ़ सुथरा है और फुली एसी है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। सो नंबर चार पर जाते हैं आनंद भवन रेस्टोरेंट। सो ये वाला भी रेस्टोरेंट है फुली पूरा प्योर वेजिटेरियन है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा अफोर्डेबल है। तो ऑल राइट गाइज, आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।